अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के मानगो उलेडी थाना अंतर्गत संकोसाई रोड नंबर 1 निवासी आदर्श कुमार की डिमना लेक में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि आदर्श कुमार अपना स्नातक पूरा कर चुका था और पुलिस फोर्स में जाने हेतु तैयारियां कर रहा था। इसी कड़ी में दोस्तों के साथ वह रोजाना सुबह दौड़ लगाने जाता था। शुक्रवार सुबह भी वह डिमना लेक की तरफ दौड़ लगाने गया और दौड़ के बाद सभी को नहाने का मन हुआ और सभी दोस्त डिमना तालाब में नहाने चले गए और इसी दौरान नहाने के क्रम में आदर्श का पांव फिसल गया और वह गहरे पानी की तरफ चला गया। दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं बच पाया। घटना के बाद पुलिस की टीम ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस आगे की न्यायिक प्रक्रिया में जुट गई है। आदर्श कुमार नाम है उसका। डिमना लेक हम लोग रनिंग वनिंग करते हैं, सुबह में रनिंग किए थे, उसके बाद सब दौड़ने के लिए मतलब दौड़ने के बाद थक गया था, डिमना लेक नहाने के लिए हम लोग नहाने गए तो हम लोग तो आगे नहा रहे थे, इसको तैरना नहीं आता, लेकिन इसको मतलब हम बहुत हम भी आएंगे, हमें मना कर रहे थे, मैं जब से आया उधर खुल के किनारे में ही था, फोटो भी मेरे पास हमें खींचा हुआ है कि उसके बाद घुसा और उसका उसका हम लोग मतलब अभी सब तैरने में अपना सब अपना नहाने बिजी था, उसका हम देखे कि मिल नहीं रहा था, मतलब अचानक ऐसा ना क्या वो लड़का नहीं फिर आदमी कहाँ गया, तो लड़का लोग बोले कि सर कोई बाथरूम वाथरूम करेंगे ना चल जाए ऊपर में, तो 10 मिनट बाद फिर हम बोले देखो तो 10 मिनट हो गया, लेटिंग करने में ज़्यादा तो आ जाता है, ऊपर जाए ढूंढ रहे फिर अंदर में जाए ढूंढ रहे नहीं मिल रहा है, पूरा परेशान हो गया, उसका ढूंढ रहा अंदर में और दो तीन लड़का तैरने आता है अंदर अंदर घुस घुस कर देख रहा नहीं मिल रहा है। हाँ पढ़ते हम लोग गोलगड़ा पढ़ते एवरी डे हम प्रैक्टिस करते हैं, ये संकोच आदमी रहता था हम लोग डिमना में रहते हैं, सब हम डिफेंस की तैयारी करते सब इधर दौड़ते हैं। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 6 स्थित गीतांजलि अपार्टमेंट के समीप से शुक्रवार को टाटा स्टील की जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त करा गया। इस दौरान जिला प्रशासन और टाटा स्टील सिक्योरिटी विभाग की ओर से भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। जानकारी हो कि बिरसा नगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में भू माफिया सक्रिय है और बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन का बंदरबांट करने में जुटे हैं। टाटा स्टील की जमीन पर भी भू माफियाओं की नजर है जिसे धड़ल्ले से औने पौने दामों में बेचे जा रहे हैं। वैसे टाटा स्टील ने केस जीतते ही जमीन पर प्रशासन के सहयोग से कब्जा कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए टाटा स्टील लीगल डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि टाटा की जमीन सहित सरकारी खतियानी जमीन पर बड़ी संख्या में भू माफिया अतिक्रमण कर औने पौने दामों में बेच रहे हैं, जिस पर समय रहते अगर नकेल नहीं कसा गया तो सरकार के हाथों से बड़ा भूभाग भू माफिया हथिया लेंगे। हालांकि कार्रवाई के दौरान भू माफिया भूमिगत रहे। जो है वो बीपीएल वार्ड में किया गया है, ये 48 संख्या था 2021-22 का ये है और ये बिरसा नगर थाना अंतर्गत पड़ता है, वार्ड संख्या 15 है, ब्लॉक संख्या 5 है, इसमें बीपीएल केस चल रहा है, उसमें जो अंतरिम आदेश पारित हुआ है उसके आलोक में आज दंडाधिकारी यहाँ प्रतिनिधि उसी के संदर्भ में कार्रवाई चलेगी जो शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो चुकी है। अभी तो वर्तमान स्थिति यही है कि ये बीपीएल वार्ड 48 का ये कार्रवाई चल रहा था, आगे होगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। मतलब ये 100x100 स्क्वायर जमशेदपुर में एक बेटे का कुकृत्य देखने को मिला, जहां अपने बुजुर्ग माँ जो ठीक से बोल नहीं सकती और चल फिर नहीं सकती उसे खुले रास्ते पर छोड़कर बेटा भाग निकला। स्थानीय दुकानदारों के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटना बिष्टपुर थाना क्षेत्र के कॉन्वेंट स्कूल के समीप है, जहाँ एक बुजुर्ग महिला को उसका बेटा रास्ते पर छोड़कर भाग निकला। स्कूल की एक कर्मचारी ने उन्हें पास के वेंडिंग जोन में पहुंचाया और पुलिस को इसकी खबर दी। पूछताछ के क्रम में महिला ने बताया कि जमशेदपुर में वे मानगो क्षेत्र में अपने बेटे के साथ रहती है और उनका गांव इंचागढ़ है। इसके आधार पर पुलिस ने इंचागढ़ क्षेत्र में उनके गांव में खबर भिजवाया, जिसके बाद गाँव के मुखिया ने बुजुर्ग महिला को गाँव लेकर जाने का भरोसा दिलाया। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग महिला के गांव से लोग आने पर उन्हें गांव भेजा जाएगा और उन्हें छोड़कर भागने वाले बेटे की खोजबीन की जाएगी। आए थे यहाँ से फोन आया था हम लोग को कि सेक्रेट हार्ट के पास कोई बूढ़ी महिला भटक गई है, काफी देर से इधर उधर हो रही है, इसी पे हम लोग आए यहाँ पे। नाम वगैरह कुछ पता चला? नाम पता चला, लोग पूछ के रखे थे, राजेश्वरी नाम बता रही है अपना और अपना गांव का नाम बता रही है इच्छागढ़।
कब से छोड़ के गया है कुछ पता चला? सुबह से ही भटकी हुई है, सुबह से ही छोड़ के गया हुआ है। अभी तक कोई लेने नहीं है? नहीं नहीं कोई लेने नहीं आया है। आप लोग आगे प्रक्रिया क्या कर रहे हैं? हम लोग वही पता कर रहे हैं, वहाँ इनके गांव में खबर भिजवाया गया है तो वहाँ से अब आधा घंटा बोला गया है, आधा घंटा बाद से देखते क्या होता है। ठीक है। जमशेदपुर में एक बार फिर से मेडिका अस्पताल समूह मरीजों को अपनी सेवा देने के लिए आ रही है, जहां इस बार इनके द्वारा सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेवा शुरू की जा रही है। साक्ची स्थित सिटी डायबिटीज एंड मल्टी स्पेशलिटी केयर में ही इसकी शुरुआत शुक्रवार से की गई, जहां कार्डियक गैस्ट्रोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सुविधा शुरू की गई है। प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को मेडिका अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक यहां मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। वहीं जिन मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने की आवश्यकता होगी उन्हें जमशेदपुर से रांची भेजा जाएगा और वहां मेडिका अस्पताल में उनका संपूर्ण इलाज किया जाएगा। शुभ दिन के ऊपर सिटी डायबिटिक मल्टी स्पेशलिटी केयर क्लिनिक में मेडिका के साथ में टाई अप करके एक ओपीडी सेवाएं शुरू की है, जहां जिसके अंदर हमारे वहां से 3 मेन डॉक्टर्स आएंगे हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक सेवाएं देंगे। और अगर कोई पेशेंट्स को ज़रूरत है बैटरी ज़्यादा एडमिट होने की या आईसीयू सेवाओं की, तो हम उन पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज देंगे, जो यहां से पेशेंट को ले जाकर मेडिकल रांची के अंदर उनका इलाज करेंगे। और मेरी इन लोगों के काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था कि ये लोग आए यहाँ पे और ये यहाँ पे अपनी सुपर स्पेशलिटी ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार। तो एक ब्रेक हुआ था हमारा, तो अभी हम लोग सुपर स्पेशलिटी ओपीडी में गैस्ट्रो, कैंसर और सीटीवीएस सर्जरी, ये 3 सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। अब चूंकि जो ओपीडीज होगा और जो ओपीडी प्रोसीजर्स होंगे वो तो यहीं पर हो जाएगा। अब जो मान लो कि जिन्हें एडमिशन की ज़रूरत है अस्पताल में और जिन्हें लगता है कि हम रांची में बेहतर सुविधा दे सकेंगे, एडमिशन की ज़रूरत हो आईसीयू में या ऑपरेशन का दरकार हो या कैंसर से रिलेटेड केमो की ज़रूरत पड़ेगी, तो जहां पे टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी सुविधाएं फिर हम लोग जो हैं मेडिका रांची में उन्हें देंगे। पारंपरिक स्वशासन गांवता धालभूम परगना पूर्वी सिंहभूम एवं आदिवासी भूमि समाज की ओर से शुक्रवार को राज्य में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र के आधार पर प्रदर्शनकारियों ने बताया कि झारखंड में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था लागू करने का प्रस्तावना विधानसभा में प्रस्तावित हो चुका है, फिर भी स्वशासन व्यवस्था को सरकार मान्यता नहीं मिल रही है, जिससे झारखंड के लोगों का विकास नहीं हो रहा है और सरकारी तंत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि यहां हावी है। जब तक राज्य में स्वशासन व्यवस्था लागू नहीं होता तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के मनीफी टीओपी से जेमको के पीछे जाने वाली सड़क पर राहगीरों का इन दिनों जाना दुश्वार हो गया है। सड़क पर जल जमाव और नालों के जाम होने के कारण नाली का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि सह झामुमो नेता रमेश सिंह ने बताया कि उक्त मार्ग पर जल जमाव के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है, शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी इस दिशा पर कोई ठोस पहल नहीं की गई। उन्होंने बताया कि जिसको द्वारा पूर्व में यहां लाइट लगाया गया था लेकिन चोरों ने लाइट पर हाथ साफ कर दिया, नतीजा पूरा सड़क अंधेरे में डूबा रहता है। वहीं उन्होंने स्थानीय विधायक सरयू राय से भी उक्त मार्ग को दुरुस्त कराने और तत्काल सड़क पर लाइट का प्रबंध करने की मांग की है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा विगत 7 दिनों से मनाए जा रहे पृथ्वी बचाओ सप्ताह के तहत अब तक 600 से ज्यादा निशुल्क पौधों का वितरण किया जा चुका है। आनंद मार्ग के सोनारी स्थित कबीर मंदिर के समीप संपर्क कार्यालय एवं गदड़ा स्थित आश्रम
दोनों ही स्थानों पर निशुल्क पौधों का वितरण लगातार किया जा रहा है। साथ ही सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। आनंद मार्ग के सुनील आनंद बताते हैं कि लगातार पेड़ों की कटाई से हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है और पृथ्वी पर गर्मी लगातार बढ़ रही है, जो अब खुद लोग महसूस कर रहे हैं। ऐसे में इसे रोकने का एकमात्र उपाय पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण है, जिस कार्य में आनंद मार्ग की टीम जुटी है। एक सप्ताह से हम लोग निशुल्क पौधा वितरण कर आनंद मार्ग यूनिवर्सिटी रिलीफ टीम ग्लोबल एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एंड प्लांट्स पिकअप की ओर से 7 दिवसीय पृथ्वी बचाओ सप्ताह के रूप में हम लोग मनाए हैं। इस पृथ्वी बचाओ सप्ताह में लगभग 600 से भी ज़्यादा निःशुल्क पौधों का वितरण विभिन्न संस्थाओं के बीच रोपण के लिए किया गया। पृथ्वी को बचाना है तो पेड़ लगाना ही होगा, और जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे गुलमिलता है सबको भाई बहन के रूप में अपने परिवार का सदस्य समझकर ही सेवा करना होगा, तभी पृथ्वी को बचाया जा सकता है। कंक्रीटीकरण, आज जिस तेजी से कंक्रीटीकरण इस पृथ्वी पर बढ़ रहा तो पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।